बोर होके अटके हम बड़ों के बीच में, एकदम से एक पेरेंट अपने मोबाइल को उठाता है और अपना मोबाइल बच्चों को दे देता है और कहता है कि सॉरी बेटा, आप ये मोबाइल यूज़ कर लो, आप बोर हो रहे हो। सो आजकल के पेरेंट्स, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले रहे हैं? शॉर्टकट या क्विक फिक्सेस हम ढूंढते हैं ताकि हम अपना काम कर लें और बच्चों को किसी ना किसी गैजेट्स में, आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप में बिजी कर दें। सो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट के फॉर्म में, आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स रियली बैड, क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। इवन आई एम नॉट दैट सती सावित्री जो मैं अपने बच्चे को देती नहीं हूँ मोबाइल। डेफिनेटली देना पड़ता है, किसी ना किसी लेवल पे ये यूज़ करना पड़ता है, लेकिन वो बैलेंस हमने कैसे मेंटेन करना है? क्योंकि ये जो आजकल की लाइफस्टाइल में इतना यूज़ ऑफ गैजेट्स हम कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम, बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। मेरे पास जितने भी ये काउंसलिंग करने के लिए बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए आते हैं पेरेंट्स, तो बच्चों की काउंसलिंग करने से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को ऑलरेडी दे नो व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ अनहेल्दी। बच्चों को जंक नहीं देना है, उनको हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देने चाहिए, ये चीज़ें उनको पता है। लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है, उसमें उस चीज़ को किस तरह से हमने कॉपरेट करना है, मतलब दे आर नॉट एबल टू या दे इट्स नॉट पॉसिबल कि हम आजकल पिज़्ज़ा हट्स हैं या डोमिनोज हैं या मैकडोनल्ड्स हैं, उस केस में हम अपने बच्चों को टोटली वहाँ से दूर रख सकते हैं। क्योंकि आजकल के इन्वायरमेंट में आप हर 2 किलोमीटर्स में आपको कोई ना कोई फूड रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, आज मैं उस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। बिकॉज हम लोग या तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चों की तरफ, थोड़ी सी भी खांसी जुकाम हो गया, कुछ उनको कफ कोल्ड हो जाता है, इमीजिएटली डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इमीजिएटली कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हम ये नहीं समझते हैं कि बॉडी को थोड़ा हीलिंग पावर है उसका, वो खुद ब खुद रिपेयर हो सकती है। तो अगर बच्चों में इतनी इम्यूनिटी अगर हम क्रिएट करें कि वो खुद ब खुद हील करें, तो हमें उनको पिल्स या एकदम से कोई एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आजकल के बच्चों में इम्यूनिटी भी बहुत लो है, और वो इम्यूनिटी लो क्यों है? दैट्स बिकॉज उनका जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो फ्रॉम द चाइल्डहुड वो ही हमने एक्यूरेट जो है वो नहीं रखा है। आप सब ये कहेंगे कि हम तो करने की कोशिश करते हैं, हम बच्चों के लिए फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, लेकिन वो खा के ही नहीं आते हैं, या वो खाते ही नहीं हैं, उनको फोर्स करना पड़ता है कि वो खाओ खाओ, बार बार उनके पीछे भागना पड़ता है। और जब टीवी लगता है या कोई मोबाइल लगता है, तब वो खाना स्टार्ट करते हैं, तब उनके मुँह में कुछ जाता है जब उनके सामने कुछ गैजेट्स आते हैं। अब ये रूट कॉज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब हमने वेरी बिगनिंग से, जब उनकी वीनिंग स्टेज स्टार्ट हुई थी, तभी हमने कुछ ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया था कि वो, उनको खुद तो नहीं पता था कि हम टीवी लगेगा और हम खाना स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई होंगी जहां पर उनको कुछ दिखा एंड देन दे इंडल्ज दिस, अपने आप को वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को उसमें खो जाते हैं, एंड देन वो खाना स्टार्ट करते हैं। वो खाया हुआ कोई भी फूड आइटम, चाहे उसमें आपने कोई राइस दिया है, रोटी दिया है, उसका कैल्शियम आयरन अब्जॉर्प्शन पावर बिल्कुल लो हो जाता है जब वो किसी ब्लू लाइट को देख के लेते हैं। अगर हम उस रूट कॉज पे, दैट मीन्स जब हमने उसको स्टार्ट ही किया था, उस टाइम पे ही अपने आप को हम शॉर्टकट्स ना लेते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि हमें बच्चों के साथ कोई स्टोरी टेलिंग के साथ कुछ खिलाना है या बार बार बातें करके खिलाना है, ऑल दो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, लेकिन अगर हम थोड़ा उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएं तो शायद ये गैजेट्स का यूज़ ना हो। आजकल के लाइफ स्टाइल में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उनको, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का या बहुत देर उनके साथ आधा पौना घंटा खिलाने का। वो 40 मिनट एक बच्चा जो है वो स्टार्टर लेवल पे कुछ खाने के लिए कोशिश करता है, तो हमारी पेशेंस ख़त्म हो जाती है और हम जल्दी जल्दी उसको खिलाना चाहते हैं। जबकि एक बच्चे में इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि वो उसको खुद पता है कि मुझे कितने टाइम उसको च्यू करना है, कितना स्लोली च्यू करना है। और कई पेरेंट्स तो मुझे कहते हैं कि मेरा बच्चा तो इतना स्लोली खाता है कि मैं तो थक जाती हूँ, उसको इतना स्लोली स्लोली खाता है। एंड दैट्स अ गुड हैबिट अगर वो स्लोली खा रहा है, उसको टाइम दो कि खिलाने के लिए, कि हम उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर बच्चे में जो कैपेसिटी होती है अपनी एपेटाइट को समझने की, वो हमसे ज़्यादा होती है। वो उसी टाइम पर स्टॉप कर लेता है जब को लगता है कि उसके पेट में जगह नहीं है, जबकि हम लोग बिकॉज ऑफ टेस्ट बट्स कीप ऑन ईटिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है हमारा एपेटाइट कितना है और हमें कितने पोर्शन पे कंट्रोल करना है। सो बच्चों को कभी भी फोर्स मत कीजिए कुछ खाने के लिए, और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें जो रूट कॉज पकड़ना है, दैट इज बेसिकली उनकी ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्टर लेवल। और अगर आप उस स्टेज पर आ गए हो जहां पर अब कुछ हो ही नहीं सकता, कि अब तो उनकी आदत ही बन गई है, इतनी हैबिट्स बन गई हैं कि अब हम उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो टीवी के साथ ही खाता है या फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाता है, तो इस
स्टेज पे आकर आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और अपनी थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि स्टार्टर लेवल पे अगर उनको उन्हें गैजेट से दूर करना है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। मे बी ये कुछ ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो ग्रेजुअली बच्चे आपके साथ इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे और गैजेट्स का यूज़ कम करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है, बच्चों की काउंसलिंग बाद में होती है। और अलॉन्ग विद दैट हमने ये मोस्टली मैंने ये देखा है कि आजकल वर्किंग है मदर्स, तो हम मोस्टली मेड्स रखते हैं कि बच्चों को केयर करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए। अगर हमारे पास कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है और हमें ये करना है पड़ रहा है कि आप 9 to 5 वर्किंग है या 10 to 6 या 10 to 8 आप वर्किंग है और बच्चों के साथ मेड्स को रहना पड़ रहा है, उनके साथ वो खाना खाते हैं या वो ही खाना खिलाती हैं, उनको गैजेट्स वो यूज़ करती हैं, तो प्रेफरेबली अगर कोई 2 मील्स आप अपने पास ज़रूर रखें जो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और वो प्रॉपर मील्स हों जिसमें वो अच्छी तरह से च्यू करके खा रहे हैं एंड दे आर एबल टू स्पेंड अ टाइम विद यू। अलॉन्ग विद दैट विटामिन डी का डेफिशिएंसी जो है वो बहुत लो हो रहा है आजकल बच्चों में, बिकॉज आजकल पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ ही नहीं करते हैं पार्क्स में जाने के लिए या बाहर खेलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा है, एक तो जैसे कि मस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हैं या आजकल मानसूनस हैं तो बाहर नहीं जाते हैं, या फिर आजकल का सोशल इन्वायरमेंट भी ऐसा है, दे डोंट अलाउ देयर किड्स टू गो आउट। बट यू कैन मेक अ कम्युनिटी जहाँ पर एक छोटी कम्युनिटी हो जहाँ पे दे कैन एबल टू स्पेंड अ टाइम इन पार्क, वहाँ पे वो अपनी किसी सॉइल के साथ जहाँ पे वो खेल सकते हैं, जहाँ पे उनको सनलाइट मिल सकती है, नेचर के साथ वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा वो घर पे रहेंगे उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है टीवीज़ एंड मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स को देखने के अलावा। तो अ लिटिल कम्युनिटी विद योर ओन फ्रेंड्स सो दैट विटामिन डी का सोर्स उनको सनलाइट से मिल सके, या फिर अलॉन्ग विद दैट दे कैन स्पेंड अ टाइम इन सॉइल, क्योंकि सॉइल में जितना ज़्यादा बच्चा खेलते हैं वो सॉइल से ही उनको विटामिन B12 जो है वो मिलता है, जो मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड किया था कि विटामिन B12 किस तरह से सॉइल में आता है। अगर हम सॉइल में जो प्रोबायोटिक्स हमारे होते हैं वहाँ से बैक्टीरिया जो वो माइक्रोब्स जो होते हैं बच्चों के अगर हाथ में भी जाता है तो दैट इज हेल्प टू डेवलप अ गुड गट बैक्टीरिया इन देयर बॉडी। तो हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बच्चे ने डर्ट में चला गया है या वो गंदा हो गया है, एटलीस्ट वो खेल रहे हैं, दे आर इंजॉइंग एंड उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना लो है कि दे आर एबल टू डेवलप द गुड इम्यूनिटी। हमारा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि हम इम्यूनिटी अच्छी बना ही नहीं पाते हैं। अब आप अनदर पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस ओवर हियर कि आप लोग कहते हो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चे नहीं खाते हैं, हम उनकी मैश करके भी देते हैं या उनको प्रॉपरली मिक्स करके भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें। स्टार्टर लेवल पे ही हमने उनको जब उन्होंने नहीं खाया था, जब उन्होंने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, हम उसी टाइम गिव अप हो गए थे, इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई है। अब हमें गिव अप नहीं होना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे उसको इनकॉर्पोरेट करने की बहुत ज़रूरत है। उनको शुगर क्रेविंग्स इसलिए होती है वाई बिकॉज हमने उनका इन्वायरमेंट ऐसा बनाया हुआ है कि उनको मीठा सिर्फ कैंडीज़ चॉकलेट्स इन सब चीज़ों से ही अच्छा लगता है। जब तक उनके मुँह में वो टेस्ट रहेगा तब तक उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा स्टेप ये कि घर पे जो भी चीज रिलेटेड टू प्रोसेस आइटम है, पैकेट आइटम है, उसको हमने घर पे नहीं रखना है। अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगा तो हाउ कैन दे कैन गो टू दैट स्टफ, किचन में जाके वो चीज वो लेंगे ही नहीं। अगर जितना ज्यादा आप उस चीज को अवेलेबल रखोगे, बिस्किट्स को, नमकीन्स को, जो भी फ्राइड आइटम्स को, जितना ज्यादा आप उनको फ्रोजन आइटम्स को रखोगे अपने किचन में, उतना ज्यादा वो उनके लिए आपको डिमांड करेंगे। अगर सप्लाई नहीं होगी तो आपको वो डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट आजकल जो प्लास्टिक के टिफिन्स, प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं वो मोस्टली पेरेंट्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर क्लीन एनवायरनमेंट के लिए ये है कि यू कैन मेक यूज़ ऑफ अ स्टील के जो टिफिन्स आजकल आते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं, जो हम अपने टाइम पे भी यूज़ करते थे। और आजकल बच्चों में भी कोई ऐसा नहीं है कि दे डोंट फील अशेम्ड कि हमारा सुपरमैन वाला कोई टिफिन जा रहा है या फिर बॉटल्स ऐसी जा रही हैं। अगर हम उनका माइंडसेट, उनकी परसेप्शन इस तरह की डेवलप करें कि दिस इज़ अ वेरी हेल्दी टिफिन फॉर यू, क्योंकि इसमें कोई जर्म्स नहीं जाएंगे, आपका प्लास्टिक का कोई जो इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दैट केमिकल्स वो आपकी बॉडी में नहीं जाएगा अगर आप स्टील के टिफिन या स्टील की बॉटल्स जो हैं वो यूज़ करोगे। एंड मिल्क के बारे में, बच्चों के बारे में यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, बिकॉज मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि मिल्क आजकल ऑर्गेनिक नहीं है, एंड आई यूज टू से ऑलवेज कि मिल्क ऑर्गेनिक नहीं है तो आप इसको अवॉइड करो क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो अगर बच्चों के लिए आपने मिल्क यूज़ करना है तो प्लीज़ डोंट मेक यूज़ ऑफ एनीथिंग लाइक प्रोसेस्ड और पैकेट आइटम या पाउडर्स जो आप यूज़ करते हो। आपको लगता है कि उनकी हाइट को ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए उसमें कोई ना कोई पाउडर डाल देंगे तो उनको हेल्प करेगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज पाउडर्स एंड एनीथिंग, आप अगर नेचुरल सोर्सेज जो हमारे किचन में ही रहते हैं,
सौंफ, इलायची, सिनेमन जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे वो आप मिल्क में डाल सकते हो। मिल्क कौन सा यूज़ करना चाहिए उनके लिए, मिल्क जो है यू कैन मेक यूज ऑफ एनी ऑर्गेनिक काउस मिल्क जो है वो यूज़ किया जा सकता है अगर उनमें कोई बोविन इंजेक्शन नहीं लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि वो ऑर्गेनिकली सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक है तो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। अगर आपको लगता है कि वो सोर्स आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है, वही पैकेट वाला मिल्क आपके पास आ रहा है, बच्चों के हॉर्मोन्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, देन यू कैन मेक यूज ऑफ आलमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क, बादाम का यूज या कोकोनट का दूध आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो इसके भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो भी वी डोंट नो कि वो ज़्यादा ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं या नहीं है। तो घर पे ही आमंड्स को सोक करके, उसको पील करके, चर्न करके, वहाँ से आप जो उसका पानी निकलेगा दैट्स कंसिडर्ड टू बी आमंड मिल्क। सिमिलरली कोकोनट को भी आप ग्रेट करेंगे, पानी डालेंगे, चर्न करेंगे तो उसमें जो मिल्क निकलेगा दैट इज कोकोनट मिल्क होता है। सो उनकी ग्रोथ के लिए अगर जितना ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज यूज़ करेंगे रेदर देन गोइंग फॉर पाउडर्स एंड पैकेट एंड जो आजकल बार्स आती हैं उसकी जगह आप घर पे कोई ओट्स बॉल्स वगैरह बना सकते हैं। एंड कई बार ये देखा गया कि फूड्स को जो है दे आर मेकिंग यूज एज अ रिवॉर्ड कि तुम ये खाओ तो तुम्हें पिज्ज़ा मिलेगा, तुम ये कुछ करके दिखाओगे या कुछ मार्क्स लेके आओगे तो वी विल गो फॉर अ पार्टी एंड विल हैव अ पिज्ज़ा या बर्गर ऐसा लेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर रिवॉर्ड को फूड को रिवॉर्ड के साथ अगर कनेक्ट ना करें और वी कैन मेक यूज एज अ फूड जस्ट फॉर अ गुड हेल्थ सेक के लिए यूज़ करें, नॉट फॉर अ सेक ऑफ फन। आप यस डेफिनेटली पार्टीज पे जा रहे हो तो उनको कहो कि अगर आप पिज्जा ले रहे हो तो उसका पोर्शन इतना कंट्रोल करो ताकि हेल्दी आइटम भी उसके साथ हो। यू कैन हैव वन स्लाइस ऑफ पिज्जा एंड हैव समथिंग विच इज मोर हेल्दियर, आप किसी और फॉर्म में उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ हमें सिर्फ बैलेंस जो है वो क्रिएट करना होता है, बिकॉज आजकल की जो प्रोसेस आइटम्स आ रही हैं, पैकेट आइटम्स आ रही हैं जिसमें मैगीज एंड ऑल दैट स्टफ, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑफ जो पाया जाता है, कंटेंट पाया जाता है, MSG जो पाए जाते हैं वो उनमें डायबिटीज़ या अदर कंडीशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली एट द एंड आई वॉन्ट टू गिव अ लिटिल सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग बच्चों के साथ डील करने के लिए। सबसे पहली बात है उनको प्लीज़ फोर्स मत कीजिए, बच्चों को जितना ज़्यादा फोर्स करेंगे उतना ज़्यादा उनका नेगेटिव रिएक्शन होगा, क्योंकि पेरेंट्स की काउंसलिंग करने से पहले बच्चों के साथ सेपरेटली काउंसलिंग करना पड़ता है कि उनसे पता चले कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है, पेरेंट्स उनके साथ कैसा डील कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं या इजी ईटर चल रहे हैं, उनका कैसा डील हो रहा है फूड के साथ। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि बच्चों के साथ बहुत फोर्स किया जाता है, प्लीज़ बच्चों को फोर्स मत कीजिए, ग्रेजुअली उनके साथ वर्क कीजिए, धीरे धीरे करके खुद ब खुद वो आपके बिहेवियर को भी पॉजिटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी एक्टिविटी शेड्यूल को बढ़ाइए रेदर देन गोइंग फॉर कि सिर्फ आप डाइट के ऊपर ही फोकस करो कि प्रोटीन बढ़ा दो जी या सिर्फ बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल दो, प्रोटीन फॉर्म में नट्स डालो, सीड्स डालो। आप उनकी एक्टिविटी शेड्यूल को सेडेंट्री मत रखिए, एक्टिव रखिए, एटलीस्ट 60 मिनट्स उनको बाहर खेलने के लिए दीजिए। ट्यूशन टाइमिंग है या कोई क्लासेस टाइमिंग है उसमें से प्रायोरिटी भी अपने स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस में दीजिए, ताकि वो जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ही उनका हार्मोनल जो है वो बैलेंस रहता है, जिसमें PCOD की प्रॉब्लम जो प्यूबर्टी के टाइम में नहीं रहती है। शुगर की इंटेलिजेंस को कम करने के लिए घर पे रिफाइंड शुगर ज्यादा मत यूज कीजिए, घर के फॉर्म में खीर हो गया, पूड़ा हो गया या घर के बनाए हुए शुगर आइटम्स, वो आप उनको यूज कर सकते हैं। उनको रिकवरी का टाइम दीजिए, मतलब स्लीप उनकी प्रॉपर रखिए, ज्यादा स्ट्रेस में उनके एग्जाम्स के टाइमिंग पे इतना मत दीजिए कि वो सारा रात पढ़ते रहें और उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। गिव देम अ टाइम टू रिकवर देयर बॉडी एंड स्ट्रेस लेवल उतना, क्योंकि पूरी लाइफ में उन्होंने स्ट्रेस देखना है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब बड़े हो गए हैं। उनको बड़ों की तरह इतनी जल्दी जल्दी स्ट्रेस देना मत स्टार्ट कीजिए, वो अगर बच्चे के माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखिए एंड जितना अच्छा टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर सकते हो, जितना केयर और लव उनको शो कर सकते हो, उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। बिकॉज डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, वाटर इनटेक, ये सब तब वर्क करता है जब आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है। आप अगर अच्छे मूड में हो, बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप दोनों के गुड रिलेशनशिप के साथ ही आप दोनों की हेल्थ जो है वो अच्छी डेवलप होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।